अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बहार किचन। आज की हमारी इजी और सिंपल ब्रेकफास्ट रेसिपी है रेड राइस। इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल बना लेंगे। मैंने अभी अभी चावल बनाया है, 1.5 कप चावल लिया था मैंने। इसको बनाकर थोड़ा इसको ठंडा कर लेंगे, अभी ये गर्म है। ये गैस पे मैंने एक पैन रखा हुआ है, इसके अंदर तेल डालेंगे 3 टेबलस्पून जितना। तेल को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर करी पत्ता डालेंगे। अब इसमें 2 कटी हुई प्याज डालेंगे, डालकर इसको थोड़ा भून लेंगे। इसमें 2 लाल मिर्च डालेंगे, ये फ्रेश रेड चिली है, इसको चॉप कर लिया है, इसको भी मिला लेंगे। अब इसके अंदर 2 बड़े कटे हुए टमाटर मिला लेंगे। इसको भी थोड़ा सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे। दो टीस्पून सोया सॉस। आधा टीस्पून विनेगर। दो टेबलस्पून टमाटो केचप। एक टीस्पून नमक डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे रेड राइस बना रहे हैं, इसके लिए 2 ड्रॉप रेड कलर डालेंगे, सिर्फ कलर आने के लिए, ऑप्शनल है ये, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला डालेंगे, डालकर मिक्स कर लेंगे। अब चावल थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चावल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, इसमें से भापें निकल रही है।
अब इस मसाले में चावल को मिला लेंगे, पके हुए चावल को। आंच को थोड़ा धीमी करके रखेंगे, नहीं तो लग जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें इसके ऊपर हरा धनिया डालकर मिक्स, मिक्स करके गैस बंद कर देंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा और हरे धनिया से गार्निश कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा इजी और सिंपल रेड राइस बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको नाश्ते में खा सकते हो या शाम के टाइम में, या नहीं तो टिफ़िन बॉक्स में भी ले जा सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।